नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा जैन, मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज एक कॉमन टॉपिक को मैं ले रही हूँ जिसका नाम है डार्क सर्कल्स। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे डार्क सर्कल क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, डार्क सर्कल्स आंखों के चारों तरफ होने वाले काले घेरे को डार्क सर्कल कहते हैं। डार्क सर्कल से हमें कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन ये कॉस्मेटिकली बड़े गंदे लगते हैं। जब भी कोई हमको मिलता है तो कहते हैं, तुम बड़े बीमार लग रहे हो, दुखी दुखी लग रहे हो, कोई परेशानी में हो क्या? तो ये सब डार्क सर्कल से होने वाली परेशानियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि ये क्यों होते हैं। सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक। अगर आपके पेरेंट्स को डार्क सर्कल हैं तो आप में भी डार्क सर्कल होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। दूसरा कॉज होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस सारी परेशानियों की जड़ होता है। अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ रहते हैं तो भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तीसरा कारण होता है नींद पूरी नहीं होना। अगर हम नींद पूरी नहीं होती है हमारी, तो डार्क सर्कल्स अक्सर हो जाते हैं। लोग बोलते हैं ना, अच्छे से सोए नहीं हो क्या, काली काली आंखें दिख रही हैं आपकी। तो ये सब नींद पूरी नहीं हो पाने के कारण होता है। एक और कारण होता है, आंखों के चारों तरफ अगर आपको कोई एलर्जी है, इचिंग हो रही है, तो इचिंग के कारण पहले रेड होता है और फिर वहां पर ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लगता है। इसके अलावा अगर आपको को खून की कमी है, एनीमिया से आप परेशान हैं, तो भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। अगर आपकी आंखों के नीचे गड्ढे हो रहे हैं तो भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्या होता है, कई कई बार आंखों के नीचे की जो स्किन होती है वो वैसे भी पतली होती है और किसी किसी की बहुत अधिक पतली होती है। तो जब भी ज्यादा आंखों को रब कर लेते हैं तो फिर इसके नीचे की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं और उसके कारण हीमोग्लोबिन रिलीज होता है और यह ब्लूइश अपीयरेंस देता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो लोग बहुत ओवर कॉस्मेटिक यूज करते हैं तो उनको भी डार्क सर्कल्स की परेशानियां हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुआ डार्क सर्कल्स के बारे में। तो अब हम जानेंगे इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहली मेडिसिन होती है बर्बेरिस एक्वाफोलियम। इसको मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। बर्बेरिस एक्वाफोलियम होम्योपैथिक की एक ऐसी दवाई है जो कॉम्प्लेक्सन को ठीक करने के लिए बहुत अधिक अच्छी होती है। कहीं भी काले निशान हो, दाग हो, धब्बे हो, झुर्रियां हो, झाइयां हो, उन सब पर ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। इस मेडिसिन की 200 पोटेंसी 6-6 गोली दिन में 3 बार लेनी है और लगाने में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा मदर टिंचर गुलाब जल में मिक्स करके आंखों के चारों तरफ काले घेरे पर अप्लाई आपको करना है। एक मेडिसिन आती है फेरममेट 200। अगर आपको एनीमिया है और एनीमिया के कारण आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो फेरम मेटेलिकम 200 की 6-6 गोली दिन में 3 बार आपको लेना है। इसके अलावा एक मेडिसिन होती है सिना। बच्चों में अगर डार्क सर्कल्स हो रहे हैं और आंखों के चारों तरफ नीले ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है तो सिना 200 की 6-6 गोली दिन में 3 बार लेना है। इसके अलावा एक मेडिसिन आती है फ्रेंड्स, एसिड फॉस 200। अगर आप लंबी बीमारी के बाद उठे हैं और उसके बाद आपको बॉडी में बहुत वीकनेस होती है और आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो आपको एसिड फॉस 200 की 6-6 गोली दिन में 3 बार लेना है। एक मेडिसिन आती है काली फॉस 200। काली फॉस 200 नींद पूरी ना हो पाने के कारण अगर आपको परेशानी हो रही है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तो इसको आपको 4-4 गोली दिन में 2 बार लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये हुई होम्योपैथी से रिलेटेड मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।